हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच एल प्लान। कैसे हैं आप लोग? तो इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उस पोस्ट के लिए और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एक एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा इस वैकेंसीज के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप नहीं कीजिए, ताकि आप लोग को भी सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन सी वैकेंसीज है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये जो वैकेंसीज है वो पब्लिक सर्विस कमीशन, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है इसमें, ठीक है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर उस क्राइटेरिया को आप लोग फुलफिल कर रहे हैं तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना है वो 3 जनवरी से स्टार्ट है, यानी कि कल से स्टार्ट हो गया है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है, 24 जनवरी तक आप लोग को लास्ट डेट है इसका। कहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है उसका वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहां से डायरेक्ट उस पोर्टल पे जा सकते हैं, ठीक है। वैसे वीडियो पॉज करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है वेबसाइट का नाम जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, और या तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट है, 20 पोस्ट है टोटल, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैं इस तरह आप लोग को जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। असिस्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर है, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर है, ब्लॉक यूथ ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज है, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर है, ये सब सारे पोस्ट दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारा, ठीक है। सेविंग डेवलपमेंट ऑफिसर है, ठीक है, 20 पोस्ट है टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का डेट भी दे दिया है, यानी कि 3 मार्च 2018 को ये टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, लेकिन इससे बहुत फायदा इसलिए होगा क्योंकि आपको अगर एग्जामिनेशन का डेट पता चल जाता है तो आप लोग का प्रिपरेशन में इजी होती है, आप लोग को पता चल जाता है कि इस डेट को एग्जामिनेशन है, यानी कि उसी हिसाब से आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और खास बात है कि जो एग्जामिनेशन होगा, जो भी सेंटर पड़ेगा वो कोलकाता में ही पड़ेगा, यानी कि वेस्ट बंगाल में ही पड़ेगा। तो जो लोग भी अदर स्टेट के होंगे तो मेक श्योर कि आप लोग कोलकाता आ सके या वेस्ट बंगाल में आ सके, और जो लोग भी अदर स्टेट के हैं उनके लिए यही फायदा होगा कि कोलकाता अगर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा, और बाकी जो वेस्ट बंगाल के हैं वो तो वेस्ट बंगाल में कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपना एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। तो आप लोग को इतना मेक श्योर कि आप लोग को वेस्ट बंगाल में ही एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्केल दिया हुआ है 7100 से 37600 है, ग्रेड पे है 3900, और क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके लिए बोला गया कि कैंडिडेट मस्ट हैव अ क्वालिफिकेशन विच वुड बी क्लियरली स्टेटेड, अच्छा, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिग्री फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि बी ए बीकम बीएससी कोई भी किसी भी डिसिप्लिन में आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी अगर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, यानी कि अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ है, लास्ट ईयर में है, अगर उसका रिजल्ट नहीं निकला है तभी वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग अभी ग्रेजुएट हो गए हैं, जिनके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और डिग्री है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट दिया गया है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1979 से लेकर 1998 के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वेस्ट बंगाल का रेजिडेंट होना चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया रहना चाहिए, वेस्ट बंगाल से कोई ये नहीं है। लेकिन उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया ये है कि उसको बंगाली लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बंगाली का नेपाली के लिए, अगर किसी का नेपाली मदर टंग है तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, वो अगर नेपाली जानता है तो उसको बंगाली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये पे साफ साफ लिखा हुआ है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर दोज कैंडिडेट हुज मदर टंग इज नेपाली, ठीक। बाकी और सर आप डिटेल पढ़ सकते हैं, यहाँ पे 160 रुपीज आप लोग का एप्लीकेशन फीस लगेगा, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन का लिंक को जरूर फॉलो करें क्योंकि वहाँ पे इम्पोर्टेंट सारे लिंक दिए होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अप्लाई कीजिए, ज्यादा दिन नहीं है, 28 जनवरी तक ही लास्ट डेट है आप लोग का। यहाँ पे जो नॉर्मली लिखा रहता है वही चीज है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट लिखा हुआ है, सॉरी 24 जनवरी को लास्ट डेट है एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन फीस आप सबमिट कर दीजिए,
और ज्यादा कुछ नहीं है। और बाकी इसमें है एग्जामिनेशन जो होगा वो प्रीलिम होगा, फाइनल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही फिर पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो इसका आप लोग डिटेल में पढ़ दे, जो जो चीज आप लोग को जानना जरूरी था वही चीज मैंने बताया। बाकी यहाँ पे नॉर्मली जो लिखा रहता है नॉर्मली एग्जामिनेशन में, तो वही सब चीज लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है, जो लोग भी ग्रेजुएट है वेस्ट बंगाल में अगर है या अदर स्टेट के भी हैं, और अगर बंगाली लिखना पढ़ना बोलना अगर जानते हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यही थे इस वीडियो में, उम्मीद है कि आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा सारा वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही थे इस वीडियो में, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।